नमस्कार, मैं हूं दीपिका। आप देख रहे हैं वन इंडिया न्यूज यूट्यूब चैनल। जम्मू कश्मीर में हिजबुल कमांडर और पोस्टर बॉय बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के बाद घाटी में तनाव बढ़ गया है। अलगाववादी हुर्रियत कांग्रेस ने राज्य में बंद का ऐलान किया है। पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां में बड़े तनाव की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बारामूला कांचीगुंड के बीच ट्रेन सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। हुर्रियत के बंद के मद्देनजर एहतियातन अलगाववादी नेताओं को नजर बंद कर दिया गया है। इनमें सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइज और यासिन मलिक शामिल हैं। बुरहान वानी के जनाजे पर पहुंचने के लिए हजारों लोग त्राल की ईदगाह में एकत्रित हुए थे ताकि वो बुरहान वानी को एक आखिरी बार देख पाए। हुर्रियत प्रमुख सैयद अली गिलानी और JKLF चेयरमैन यासिन मलिक ने बुरहान के मारे जाने के विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया था। गिलानी ने अपील की थी कि ज्यादा से ज्यादा लोग बुरहान के जनाजे में जुटे। बुरहान के सिर पर 10 लाख का इनाम था। जानकारी के मुताबिक अनंतनाग के कोकरनाग इलाके में राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मुठभेड़ में बुरहान मारा गया था। ये आतंकी दक्षिण कश्मीर के त्राल का रहने वाला था। इस पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।